इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार थोड़े बड़े हुए, माताएं सहज रूप में भाव में प्रेम से लाल लड़ाते चारों लाला लोगों का खूब सेवा करती। कब हूँ उछंग कब हूँ बर पलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना, व्यापक ब्रह्म निरंजन निरगुण विगत बिनो, ओ अज प्रेम भगति सर्वव्यापी आदि अंत से हीन साक्षात प्रभु परमात्मा जिनका जन्म नहीं होता, केवल प्रेमा भक्ति के कारण मां कौशल्या जी की गोद में सिमट गए। श्रद्धा भक्ति जब भगवान को अवतरित करा सकती है, प्रत्यक्ष करा सकती है, तो भगत को कराने में क्या जाता है। श्रद्धा हमारी भगवान से कुछ भी करा सकते। हम संतों की शरण में जाते हैं, साधुजनों के पास जाते हैं, उनसे जो इच्छा हो मांगते हैं और संत लोग कृपा करते हैं, जाओ 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 ऐसा करना वैसा होगा। जानते हैं क्यों? ये साधु लोग भगत लोग भगवान के निकट हैं, इसलिए भगवान इनकी हमसे अधिक सुन लेते हैं। जो निकट होता है उसकी कोई सुन लेता है, जो दूर होता है उसकी कोई नहीं सुनता है। जो निकटस्थ होता है उसको ये विश्वास जरूर होता है हम कहब तो सुन ली है ना हो, लेकिन जो दूर होता है तो ही कह दिया हमारा तो मन में न कर लो। यही नहीं, जो जितना निकट होता जाएगा उसको उतना कहने का काम समाप्त होता जाएगा, क्योंकि निकटता धीरे धीरे दिल की आवाज भी सुनने लगती है। जो निकट है उसको कहना भी नहीं पड़ता है, यहां सोचा और गया। जो भगत भगवान के जितना निकट है भगवान से उसको कहना नहीं पड़ता है। माँ भगवती सीता महारानी ने क्या कहा पार्वती जी से, मोर मनोरथ जानहु नीके, नीके माने बढ़िया से, क्यों बसहु सदा उर पुर सब ही के। माताएं भाई लोग सब पढ़ते होंगे पाठ करते होंगे लेकिन सोचते नहीं होंगे क्या कहा माई ने क्या कहा, तो लो ओठवे से बांच देते हो गया काम। देखो स्तुति में क्या कहा माने, मोर मनोरथ जानहु नीके, क्यों बसहु सदा उर पुर सब ही के। किसको सुनकर, विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी। जितना हम निकट होंगे उतना कहना नहीं पड़ेगा, उतना समझ में आने लगता है। और दूसरी बात, जितना हम दूर होते जाते हैं किससे, भगवान से, अपनों से, साधु से, संत से, उतना कहना पड़ता है।
तब हम ही कहने लगते हैं कि अरे पहले तो समझ जाते थे, अब कह लो पर सुनते नहीं। ले पहले समझ जाते थे क्यों? क्योंकि पहले हम पास होते थे। नना 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 इतने है बस। निकटता बढ़े हमारी, नैकट्य कहलाना बंद कर देता है, वो बताने लगता है। एक ग्रंथ है हमारा योग वासिष्ठ, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भगवान को कुछ सत्संग प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। साधना के क्रम में, अध्ययन के क्रम में, सत्संग के क्रम में एक अवस्था ऐसी आती है, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं राम अब आपका मौन प्रश्न होगा और मैं आपको मौन में ही उत्तर प्रदान करूंगा। हेलो, आप कहेंगे कैसे संभव है? संभव है। जब जीव मन के स्तर पर एकाग्र हो जाता है, तो तार चलने लगते हैं एक साथ। कई बार हम कुछ कहना चाहते हैं, समझने वाला उसी को समझ लेता है। मन के स्तर पर जब हमारी एकाग्रता एक जैसी हो जाए, एक जैसी, तो कहना बंद हो जाएगा। कथा में भी हो जाए ना, तो हम जो चाहेंगे वो गाने वाले गाने लगेंगे। तो जब तक मन एकाग्र मेरे साथ नहीं होगा, तो हम कहेंगे अरे वो कौन सा पद चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना कथा में है नहीं। यदि कथा में मन के स्तर पर रहेंगे तभी वो पद चाहिए जो हम वो चाहते, नहीं तो सर कोई निकल जाएगा। जीवन में भी, परिवार में भी, भजन में भी, यदि परिवार में सबकी चेतना का स्तर एक हो तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए जनाए, कहना नहीं पड़ता है। और जहां कहना पड़ता है वहां संबंधों में बहुत दूरी होती है, बहुत कहना पड़ रहा है। मेरी आप सबसे वंदना है, प्रार्थना है, रिश्तों में मन के स्तर पर, हृदय के स्तर पर नहीं, मन के स्तर पर उतरा जाए, आप देखेंगे जीवन धन्य धन्य। अच्छा, नहीं उतर करके कौन हम आनंद ले रहे हैं? यदि मन के स्तर पर नहीं उतर रहे हैं तब वो तो घर में रोज गदर है, जी रहे ही हैं, तो फिर जीना ही है तो स्तर पर उतरा जाए, उतर के जिया जाए। टुकड़े टुकड़े जीने का क्या लाभ हो? परमात्मा जैसा नगर के लोग चाहते हैं, माताएं चाहती हैं, पिताजी चाहते हैं, उसी प्रकार आनंद प्रदान करते हैं। एहि बेधे शिशो विनोद प्रभु के नाम, अति आनंद दासन कहु दीना, अति आनंद दासन कहु दीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल आनंद का
दर्शन करूं दीना अति आनंद कछुक काल बीते सब भाई कछुक काल बीते सब भाई बड़े बड़े भाई दक्षिणा बहु पाई दक्षिणा परम मनोहर चरित्र पारा इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।